आगे दूर रहो हमारे मुन्ने से। अगर तुमने उसे कुछ किया ना तो हम तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। देखो तुम्हारी दुश्मनी हमसे बता लो। मुन्ना के पास मत जाना, मुन्ना को कुछ मत करना। भाभी क्या करें, कैसे बचाएं हमारे मुन्ना को? मुन्ना को कुछ मत करना प्लीज। पापा कुछ करिए। हाँ नमन, कुछ पता चला? ठीक है मैं समझ गया। छलायन परछाई लोग में छलांग नहीं लगा सकती, वो दीवार पर चढ़ नहीं सकती और फिर भी लोगों का खून चूसती है। उसके आगे क्या लिखा है? बस इतना ही लिखा है रीवा मंची जी। क्या कहा ना मैंने? छलायन दीवार नहीं चढ़ सकती। हाँ लेकिन उसका हमें क्या फायदा हो सकता है? जय हो मैया की। तुमने क्या किया? पिया, ये तुमने क्या किया? मुन्ने के बारे में तो सोचो, वो बेचारा आग में फंस जाएगा। चाची, छलायन दीवार पर नहीं चढ़ सकती, पर हमारा आदि तो चढ़ सकता है ना? आदि बेटा, दीवार पर चढ़ो, जैसे तुम चढ़ते हो दीवार पर चढ़ो, दीवार पर चढ़ो आदि, जल्दी, दीवार पर चढ़ो। आदि, पापा की बात मानो, दीवार पर चढ़ जाओ। आदि ऊपर चढ़ बेटा, ऊपर चढ़, ऊपर चढ़। मना बेटा, ऊपर चढ़ जा। तुम चढ़ते रहो हमेशा ऐसे ऐसे करके, जल्दी चढ़ जाओ। आदि दीवार पर चढ़ो। आदि निशान जी, अब क्या करेंगे? आग तो मुन्ना के पास पहुंच गई है। मैं जानता हूं लेकिन हमारी आवाज उस तक पहुंच नहीं रही है। तो अब क्या करेंगे? मुन्ना को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। दीवार पर चढ़ो आदि, जल्दी दीवार पर चढ़ो। चढ़ जाओ। काम कर रहा है। आग की लपटें भी कम हो रही हैं और शीशा का काला पड़ना भी। चलो कम से कम छलायन का खतरा तो नहीं रहा। अब बस आदि को शीशे से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना है। भाभी ये आग की लपटें तो बढ़ती जा रही है। निशान जी जल्दी कुछ कीजिए प्लीज। ये है मेरे मयंक की पसंद, मेरी बहू तारा। मयंक की शादी कब हुई? आपने हमें बताया भी नहीं। हाँ सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। आइए ना, आइए। माँ थामरा। बेटा मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। अच्छा माता रानी का प्रसाद बना लिया? अब माँ एक्चुअली इतनी तैयारियों में टाइम नहीं मिला, मैंने बाहर से लड्डू ऑर्डर कर लिए। लड्डू से नहीं चलेगा बेटा,
प्रसाद में शीरा बनता है, शगुन होता है जो लड़की वालों की तरफ से आता है। तो क्या हुआ, मैं भी तो तारा की माँ हूँ। एक काम करो, तुम लोग मेहमानों का ध्यान रखो, मैं तब तक शीरा बना लेती हूँ, ठीक है तारा? शादी का नाटक मुझे कब तक करना होगा? तुमने तो कहा था कि एक बार शादी हो जाने के बाद तुम मुझे बता दोगे कि मेरे पापा की मौत की वजह क्या थी। तो हो गई शादी, अब बताओ। मैंने मना कब किया? बताऊंगा। मयंक का बेटा, पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, आइए आप दोनों माता रानी की पूजा प्रारंभ कीजिए। चलो। आपका तो पैर चल गया। भाभी आप चलिए, जल्दी चलिए कमरे में। नहीं बेटा नहीं, बहू रानी का ऐसे बीच में पूजा छोड़कर जाना बहुत बड़ा शगुन होता है। हाँ पंडित जी, पर देखिए ना, वो ठीक से खड़े भी नहीं रह पा रही है, पैर जला है उनका, पूजा कैसे करेंगी? करेगी। तारा थाली उठाओ। लेकिन भाई। मैंने कहा थाली उठाओ। मुन्ने का दम घुट सकता है। आग को बाहर नहीं निकाला जा सकता, लेकिन मैं अंदर जाके आग को रोक सकती हूँ। गुड़िया रुक जाओ। एक बार सोच लो, अगर तुम शीशे के अंदर गई तो हो सकता है तुम हमेशा के लिए वहीं फंस गए। बाबा इस वक्त आधी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे जिंदगी भर उस शीशे में कैद भी हो जाना पड़े तो मुझे ये भी मंजूर है। पिया नहीं। अंश मुझे मत रोको। देखो हमारा बच्चा, हमारा आदि, वो अकेला है, उसके पास कोई तो अपना होना चाहिए ना। मैं जानता हूँ आदि के साथ कोई अपना होना चाहिए, इसलिए तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। लेकिन अंश प्रिया, मैं ही जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम यहां रहकर हम दोनों को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लोगी।
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।